Welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of October full month for your upcoming GKSSB, Panchayat Account Assistant exam, Railway exam or any other exam you are preparing. For PDF of this video, you have to join our Telegram group, Next Exam IQ. कैसे join करना है? Telegram app पे जाके हमारे channel का नाम search कीजिए, Next Exam IQ, join कीजिए, PDF आपको provide कर दिया जाएगा. If you are visiting our channel for the first time, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना सो डैट मॉर्निंग में 5 बजे अब तक करंट अफेयर के वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंच जाए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. लेट स्टार्ट द इंपॉर्टेंट वीडियो. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमेटी. एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई? टू प्रोब चाइना वॉचिंग. ये क्वेश्चन आपके लिए, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बनाई गई? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिस्टर राजेश पंत. ओके, वट इज़ प्रोब चाइना वॉचिंग? ओके, देखो जो भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड 10,000 इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके डेटा कोई एसेस ना कर ले. ओके, अभी आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर हैंडल हैक हो गया था. तो चाइना की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, ये या आपने याद रखना, जिसे हेड कर रहे हैं मिस्टर राजेश पंत. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें अगर मैं बात करूँ वी राम गोपाल राव, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है. DRDO द्वारा एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी टू लुक द वर्क ऑफ DRDO लैब्स, जो लैब्स हैं उनके काम प्रॉपर वर्किंग हो रही है या नहीं, तो उसको देखने के लिए जो स्पेशल कमेटी बनाई गई है वो वी राम गोपाल राव उसे हेड करें. जी सतीश रेड्डी तो आप जानते हो DRDO के चेयरमैन है. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मिस्टर राजेश पंत. सेकेंड इज एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्ट्री इंडियाज टोटल डेप्ट हैज बिन इंक्रीज बाई वट परसेंट टू 558 यानी कि 58.5 बिलियन एज ऑन March 31st, 2020. तो कितने प्रतिशत बढ़ के 558.5 बिलियन हो गया, तो कितने प्रतिशत बढ़ा एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.8%. नेक्स्ट इज जसवंत सिंह पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. आपको ये बताना है ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स. ओके, इनकी डिफरेंट इन्होंने जो जो हेड किया सारी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं जी, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी इन्होंने सर्व किया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी डिफेंस किया. तो ये सारी डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी, आप PDF डाउनलोड करके सारी डिटेल्स खुद पढ़ सकते हो. बाकी इनके बारे में फर्दर डिटेल्स भी आपको इसमें शेयर की गई है. ओके, इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड होगी ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कर्नाटका. ओके, BCCI हैज़ अपॉइंटेड 5-member कमेटी फॉर ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन. सो इसे हेड कौन कर रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इट विल बी हेडेड बाय नीतू डेविड, पिक्चर भी आपके सामने है नीतू डेविड. ऑन विच डे वर्ल्ड कंट्रासेप्टिव डे इज ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26 सितंबर. हु हैज बीन इलेक्टेड एज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी, संजू एंड गुरप्रीत सिंह संधू जिन्हें चुना गया. ओके, द 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में होने वाले थे, अब इसे फर्दर पोस्टपोन कर दिया गया, अभी अगले साल होंगे जनवरी मंथ में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च राज्य पुरोहित कल्याण योजना? दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय वेस्ट बंगाल. ओके, देखो गाइज डिटेल्स मैं आपको हर स्लाइड में शेयर कर ही रहा हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हैं सारे डिटेल्स, क्योंकि हम डेली मॉर्निंग में जो वीडियोज़, अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते आ रहे हो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें इन डिटेल शेयर कर रहा हूँ, कर चुका हूँ. द 4th एडिशन ऑफ जिमेक्स जापान एंड इंडियन मैरिन टाइम एक्साइज बायलेटरल एक्साइज, आपको ये बताना है इंडिया एंड विच कंट्री के बिटवीन होती है. तो वेल आप नाम से ही क्रैक कर सकते हो, ठीक है, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया. सो करेक्ट आंसर इज जापान. ओके, हु हैज बिकम द सेकेंड प्लेयर टू रीच 3,000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल? वेस्ट इंडीज की स्टेफन टेलर जो बनी है सेकेंड प्लेयर टू रीच 3,000 रन्स, फर्स्ट कौन बनी है? स्यूजी बेट्स, वो आप याद रखेंगे. ओके, ऑन विच डे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व्ड?
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 26 सितंबर 1942 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. ओके, आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर. तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इन्होंने बनाया है जी युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर. ओके, वॉल्वो कार हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज. सो दिस पार्टनरशिप हैज बीन बिटवीन वॉल्वो कार एंड HDFC बैंक. शशिधर जगदीशन जो न्यू MD एंड CEO बने वो आप याद रखेंगे. आदित्य पुरी को इन्होंने रिप्लेस किया. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली पूछे जाते हैं उनके आंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे. ऑन विच डे वर्ल्ड रैबीज डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को वर्ल्ड रैबीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? इसका थीम रखा गया एंड रैबीज कोलेब्रेट वैक्सीनेट. सो ये ऑब्जर्व किया जाता है जी 28 सितंबर को. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस डेट पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग विल बी इंक्रीज फ्रॉम 1.15% ऑफ GDP टू हाउ मच परसेंट बाय 2025. पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाएगा 1.15% यानी 1.15% से बढ़ा के इसे कर दिया जाएगा 2.5% 2025 तक. सो डेट कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके. हमारे भगत सिंह जी की 113वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई 28 सितंबर को. इनका जन्म 1907 में हुआ था. ओके, इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो ये एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गिव असेंट टू जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल. हमारी पांच ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जी, डोगरी हिंदी इंग्लिश उर्दू एंड लाइक देर आर टोटल आई थिंक इंग्लिश रिपीट है इसमें. ओके, इंग्लिश की जगह कश्मीरी यहाँ पे यू हैव टू करेक्ट इट. 5 टोटल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी? डोगरी हिंदी इंग्लिश उर्दू एंड कश्मीरी. ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? जिसका थीम था इस साल टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट. 27 सितंबर इज द करेक्ट आंसर. द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन असम विल बी नेम्ड आफ्टर. तो किसके नाम पे ये रखा जा रहा है जी? ये रखा जा रहा है जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम. ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर द्वारा ये किया गया. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च एन ऐप नेम्ड विजिट आसाम फॉर एयर पैसेंजर्स. सो यू कैन ईजली करेक्ट द आंसर विद द नेम ऑफ दिस ऐप विजिट आसाम. आसाम इज द करेक्ट आंसर. हु हैज़ वॉन रशियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2020? करेक्ट आंसर इज वॉल्टेरी पोर्टस. एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $300 million लोन फॉर राजस्थान टाउन्स. यू हैव टू आंसर हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अशोक लवासा. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेयर हाउस कॉमोडिटी फाइनेंस ऐप. सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक. कुछ अदर डिटेल्स HDFC बैंक के बारे में आप यहाँ देख सकते हो. जॉन टर्नर पास्ड अवे. ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम बिहार टू तिहार? ऑथर ऑफ दिस बुक इज मिस्टर कन्हैया कुमार. Recently, Prime Minister HD Devgowda has taken an oath as the member of Rajya Sabha from Karnataka. You have to answer, he was the Prime Minister of India. Kaun se number ke Prime Minister the, ye batana apne. So, he was the 11th Prime Minister of India. Who has been appointed as the Chief of National Technical Research Organization? Former RAT Chief Anil Tajmana is the correct answer. Who has won Tour de France cycling event 2020? Correct answer for this question is Tadej Pogačar. He is from Slovenia. Who is the author of the book Judiciary, Judge and Administration of Justice? Author of this book is Romila Tomar. Which
रिसेंटली इंडियन आर्मी हैज़ ऑर्गेनाइज शिकारा रेस इन विच स्टेट और यूटी? डल लेक पे से ऑर्गेनाइज करवाया गया था शिकारा रेस. तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. अमिताभ बच्चन को फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन आरबीआई ने अपॉइंट किया. आपने एड्स देखी होंगी ज़रूर कि फ्रॉड से बचें. खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ अपॉइंटेड सुनील सेठी एज इट्स एडवाइजर. विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है. वो आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर्स मुंबई में. ओके, सुनील सेठी का नाम याद रखिए. ओके, डॉक्टर ईशा जज अहुवालिया, इनका निधन हो गया जी. शी सर्व्ड एज अ डायरेक्टर एंड देन द चेयरपर्सन ऑफ दिल्ली बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन. सो इनका निधन हो गया पद्म भूषण से 2009 में ने सम्मानित किया गया था. डॉक्टर ईशा जज अहुवालिया इनका नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, एस बी आई कार्ड्स हैज लॉन्च इट्स ब्रांड कैंपेन टाइटल कंटेक्ट लेस कनेक्शंस. आपको ये बताना हु इज़ द सी ई ओ ऑफ एस बी आई कार्ड्स. सी ई ओ इज़ अश्वनी कुमार तिवारी. ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लाइक इसरो ने 2025 में फ्रांस और इसरो मिलके शुक्रयान लॉन्च करेंगे. ओके, भोंगा सागर जो एक्साइज स्टार्ट हुई बिटवीन नेवल एक्साइज नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल. पथाश्री अभियान फॉर रोड रिपेयर वेस्ट बंगाल द्वारा स्टार्ट किया गया था. एंड उसके बाद वर्ल्ड का सबसे हाई एल्टीट्यूड टनल रोहतांग टनल, लाइक अटल टनल, जिसे इनॉग्रेट किया गया था बाय प्रधानमंत्री मोदी जी. नाउ गाइस, फर्स्ट वीक के हमने किए, अब हम करते हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स. गाइस नाउ हम सेकेंड वीक के करेंगे. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्वीडन. तो किसे बनाया गया? तन्मय लाल इज द करेक्ट आंसर. ओके, इंडियन आर्मी बिल्ड ए वॉर मेमोरियल. गलवान वैली में वॉर मेमोरियल बनाया टू ऑनर द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन क्लैश विद चाइना ऑन 15 June 2020. तो ये आप याद रखेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स हाउ मच परसेंट ऑफ द सिटीज इन इंडिया हैव बिकेम ओपन डेफिकेशन फ्री. तो कितने प्रतिशत ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी है हमारी ऑल सिटीज? 99%. ओके, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज पार्टनर्ड विद विच सिटीज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एरियल सीटिंग इन द सिटी. सो इंडियन आर्मी इंडियन नेवी हैज पार्टनर्ड विद विशाखापट्टनम फॉर एरियल सीटिंग. अबाउट आंध्र प्रदेश जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड योजनाएं वो यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ. विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसमैन इन इंडिया. सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय गूगल टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. शेखर कपूर इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव इलेक्ट्रिक रोड्स दैट चार्ज पब्लिक बसेस. इसराइल की सिटी है तेल अवीव इज द करेक्ट आंसर. आज श्रीलेखा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट. सो शी हैज बिकम द फर्स्ट डीजीपी ऑफ केरल. Which state has received India's today award for best state in combating COVID-19? So this award has been given to the state government of Kerala. Radio prison has been launched in Ahmedabad jail on the occasion of 151st birth anniversary of Gandhiji for prisoners in jail. Okay, who has become the new labor secretary? Kise banaya gaya new labor secretary? New labor secretary bani hai Apurva Chandra. ओके, रिलायंस लाइफ साइंसेज हैज़ डेवलप्ड एन RT-PCR किट फॉर COVID-19 टेस्ट. सो आपको ये बताना है कि रिलायंस लाइफ साइंसेज द्वारा बनाया गया इस RT-PCR किट का नाम क्या है. सो नेम ऑफ दिस किट इज आर ग्रीन किट. इन विच ये ऑलरेडी हो चुका है शिकारा रेस जम्मू एंड कश्मीर यूटी में. ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बापू वॉज इनॉग्रेटेड इन कवीव यूक्रेन. तो आपको बताना है यूक्रेन में ब्रॉन्ज स्टैचू का उसको अनवील्ड किया गया. इंडियाज एम्बेसडर टू यूक्रेन कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए. इंडियाज एम्बेसडर टू यूक्रेन है वह पार्था सतापति.
Which airport has become the India's first 100% solar power airport? Very important question. Puducherry is the correct answer. Okay, कुछ current affair important. Mental Health Day 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, नोबल पीस प्राइज़ फॉर लाइक पीस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया पीस प्राइज़ 2020 का. पीयूष गोयल को एक्सटर्नल चार्ज दे दिया गया पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन का. रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया था. ओके, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट एडवांस वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य बिसाल्टिक मिसाइल विद अ टारगेट रेंज ऑफ 800 किलोमीटर. तो कहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ये आपने बताना है. इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है उड़ीसा से. ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम. करेक्ट आंसर इज पदम पानी बोरा इज द करेक्ट आंसर, जिसे लॉन्च किया मिस्टर जतेंद्र सिंह द्वारा. Who has won International Online Shooting Championship in 10 meter air rifle event? So this has been won by Vishu Shivraj Pandian. What is the theme of World Space Week, which is being organized from 4 to 10th October? Correct answer is satellite improves life. Okay, right. लाइवलीहुड अवार्ड 2020 के तीन पर्सन्स को दिए गए थे. ये डिटेल्स आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है. नासा हैज़ लॉन्च नॉर्थरोप ग्रूममैन साइग्नस रीसप्लाई एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट. इस स्पेसक्राफ्ट का नाम SS कल्पना चावला रखा गया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. एंड USA द्वारा किया गया, USA की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा. स्पेसक्राफ्ट का नाम नासा ने SS कल्पना चावला रखा, ये आप याद रखिएगा. इसे लॉन्च किया गया, SS कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया. सोशल एक्टिविस्ट पुष्पा बाब पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. शी वॉज ऑल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ, सो शी वॉज ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मुंबई. ओके, मदहबी पुरी बच, इनको एक फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया, एक साल का एक्सटेंशन मिल गया इन्हें. वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड हैबिटेट डे 1st मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप याद रखेंगे. ओके, नाउ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर स्वीडन, ये आपने बताना है. तन्मयलाल ऑलरेडी हो चुका है ये. ओके, स्वच्छ भारत अवार्ड दिए गए थे, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी. इंडियन एयर फोर्स डे कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 8 अक्टूबर को. ओके, NCERT बुक विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज, इसे साइन लैंग्वेज में चेंज किया जाएगा. जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन विजुअली इम्पेयर्ड है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को इसमें पढ़ने में मदद मिलेगी. साइन लैंग्वेज में जब इसे ट्रांसफर लाइक कन्वर्ट किया जाएगा NCERT बुक्स को, ये आप याद रखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत द्वारा ये डिसीजन लिया गया. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जी, ISLRTC एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ SBI, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यू चेयरमैन बने दानिश कुमार खेरे. हु हैज बीन कन्फर्ड विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. करेक्ट आंसर इज एमा म्यूले चार पेंटियर एंड जेनिफर ए ड्योर्डना. सो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया बोथ ए एंड बी. नजीब तारा का ही पास्ड अवे, रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया. आपको ये बताना है, ही वॉज अ क्रिकेटर ऑफ हिज कंट्री. कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे, तो ये खेलते थे अफगानिस्तान के लिए. कोकोनट डे 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे. ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी किसे बनाया गया था, अभी बनाए जी, MA गणपति, इनका नाम आप याद रखेंगे. ओके, सितवे पोर्ट कहाँ पे है, इंडिया एंड म्यांमार आपस में मिलके इसमें काम कर रहा है, तो ये म्यांमार में. ओके, इंडिया भी इसमें काम कर रहा है मिलके, सितवे पोर्ट. विशाल आनंद पास्ड अवे, इनका निधन हो गया.
तो आपको बताने कि ये कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये थे जी बॉलीवुड एक्टर। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 72,000 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? सो USA इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1 करोड़ टेस्ट कंप्लीट करने वाला फर्स्ट स्टेट बना था हमारा UP। ओके, वेल ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट मे बी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेट कौन बना था ऑल ओवर द कंट्री जिसने अपने 1 करोड़ टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। ओके, सो गाइस देखो, आज के वीडियो में मैंने आपके साथ फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर किए। बट लिसन, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें आपको फुल मंथ करंट अफेयर मिलने वाले हैं, अराउंड 400 करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, जो एक स्पेशल PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड किया जाएगा। आई विल ट्राई कि मैं कुछ टाइम बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ। टेलीग्राम में भी मैं इवनिंग तक आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, सो डैट आपके अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर आप डेली करंट अफेयर में तो ऑलरेडी मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बता ही चुका हूँ। जैसे मैं हर बारी बोलता हूँ, मैं कभी भी मैं उस पर बिलीव नहीं करता कि 100 करंट अफेयर आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ों को थॉरली करना है, कुछ टाइम डेली पढ़ना है, तो तभी आप सारी चीज़ें एक साथ कर पाएंगे। तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी चीज़ों को आराम से बैठ के एसेस कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।